गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वाच्य का फिर से अभ्यास करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें बच गई थी, उसको भी देख लेंगे। एक बार पूरा ही फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले वाच्य है क्या? वाच्य को अंग्रेजी में वॉयस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव वॉयस। तो वाच्य है क्या? क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चले उसको वाच्य कहते हैं। क्रिया का वह रूप जो जिससे यह पता चले आपको कि इस वाक्य में कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है, उसी को वाच्य कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है बोलने का विषय, वाच्य बोलने योग्य या बोलने का विषय। तो क्रिया के जो जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया कर्तरी वाच्य और दूसरा अकर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो बातें कही जाती है वाक्य में उसका केंद्र यानी मुख्य जो उसमें चीज होती है वो है कर्ता। कर्ता उसमें प्रमुखता से होता है या उसी का महत्व होता है सबसे ज़्यादा, उसी के बारे में बात होती है, तो इसलिए यह कर्तरी वाच्य कहा जाता है। इसमें बाकी चीज़ें गौण होती है। तो जैसे कि राजीव सोता है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, कोई आम खाता है, कोई जामुन खाता है, टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, ये सब कर्तरी वाच्य, मतलब इसमें कर्ता मुख्य रूप से रहेगा। कर्ता की ही बात होगी, उसी के अनुसार वाक्य का निर्माण होगा, उसकी जो संरचना होगी उसमें लिंग वचन सब कुछ कर्ता के हिसाब से किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे आगे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ें। दूसरा है अकर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रमुख नहीं होता है, जिसमें कर्ता के अलावा कर्म या भाव प्रमुख होगा, उसको अकर्तृवाच्य कहेंगे। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, पहला हो गया कर्मवाच्य, दूसरा हो गया भाववाच्य। तो सब में वही है, कर्मवाच्य है तो उसमें कर्म की प्रधानता होगी, कर्म के अनुसार ही वाक्य की संरचना निर्धारित होगी। भाववाच्य में है कि जिसमें कर्ता प्रधान नहीं होगा, कर्म भी प्रधान नहीं है, उसमें क्रिया प्रधान है, भाव प्रधान है, तो वो भाववाच्य है। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, ये था कर्तृवाच्य। तो उसको अगर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस तरह से राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे राजीव करता है तो पढ़ता है, वहाँ राजीव चूंकि पुलिंग है इसलिए क्रिया पुलिंग में लिखी गई, लेकिन जैसे ही उसको कर्मवाच्य में हमने बदला तो वहाँ पुस्तक कर्म है तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वहाँ पुस्तक के अनुसार लिंग का प्रयोग हुआ। उसी तरह से और भी है, जैसे सोनिया से गीत गाया गया या मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा, मोहिनी से भोजन ना हो सका, तो ये सब जो पैसिव वॉयस आप जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वही है आपका कर्मवाच्य। एक सेकेंड मैं फिर से आता हूँ इस पर। इसको मैं कंप्रेस में लगा, ठीक है। तो कर्मवाच्य जो है उसमें के द्वारा या से का प्रयोग होता है, उसमें कर्म को प्रमुख बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, कर्ता को उसमें गौण कर दिया जाता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया की जो क्रिया का लिंग वगैरह है वो निर्धारित होता है, वचन लिंग वगैरह, ठीक है। और कुछ इसमें वैसा तो नहीं है जो
के द्वारा और से लगता है, ये बता ही दिया मैंने। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे वह दौड़ रहा है तो यह अकर्मक क्रिया है, उसमें किसी पर उसका असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कहा राजीव पुस्तक पढ़ रहा है, तो राजीव पुस्तक को पढ़ रहा है तो यहाँ क्रिया जो है वो सकर्मक है। तो इसका ये मैंने इसलिए बताया कि आगे चल के आपको इसकी चर्चा भी है इसमें कि दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं इनमें। भाववाच्य एक बार कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं, इसमें कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगता है और क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा, मोहिनी से भोजन न हो सका। सकर्मक क्रिया से व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य भी सकर्मक कहलाते हैं, जैसे दरवाज़ा खुल गया, खोलना से खुल गया हो गया। खैर इसका इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो कर्तृवाच्य आपने समझा, जिसमें कर्ता प्रमुख होता है उसमें उसी के अनुसार वाक्य की संरचना होती है। अकर्तृवाच्य में पहला है कर्मवाच्य, उसमें कर्म प्रधान होता है, उसके हिसाब से वाक्य का निर्माण होता है। अब है भाववाच्य, जो दिक्कतें भी थी थोड़ी बहुत वो भाववाच्य में ही आ रही थी आपको, तो मैंने दो तीन उसमें जो उदाहरण था उसको छोड़ा भी था, तो आज मैं उसको स्पष्ट कर देता हूँ। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। अब देखिए इसमें कहा गया अकर्मक, तो हम लोग इस परिभाषा को पढ़कर दिमाग में बिठा लेते हैं कि क्रिया पर ध्यान रखना है कि वो अकर्मक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसमें हम लोगों को दूसरे चीज़ों से इसको पहचानना है। इसको और स्पष्ट करेंगे आगे कि जैसे एक दो उदाहरण था, जैसे रोगी से संतरा नहीं खाया जा रहा, मैं इसको लिख के समझाता हूँ। रोगी से संतरा नहीं खाया जा रहा, इसको बदलने के लिए दिया हुआ है भाववाच्य में, ठीक है। अब देखने से तो लग रहा है कि ये पहले से भाववाच्य है, नहीं खाया जा रहा की बात हो रही है, तो इसको बदलेंगे कैसे? तो अभी आप जब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बात हो रही है कि क्या नहीं खाया जा रहा है। इसको अगर हम प्रश्न में बदलेंगे तो होगा कि रोगी से क्या नहीं खाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रमुख हो गया संतरा, संतरा नहीं खाया जा रहा है, इसकी बात प्रमुखता से हो रही है, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य है, अभी रोगी के द्वारा संतरा नहीं खाया जा रहा या रोगी से संतरा नहीं खाया जा रहा, तो यहाँ प्रमुख जो है वो ये है, ठीक है। अब इसको भाववाच्य में बदलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्रिया को प्रधान कर लेना है। रोगी से संतरा खाया नहीं जा रहा, अब यहां मैंने क्या किया, नहीं को उधर किया, खाया को इधर किया, इससे क्या अंतर पड़ा, ठीक है। इससे अंतर यह पड़ा कि जो ये प्रमुख था पहले उसकी जगह अब ये क्रिया प्रमुख है कि रोगी से संतरा क्या नहीं किया जा रहा। पहले था कि इसको अगर प्रश्न में बदलेंगे तो रोगी से क्या नहीं खाया जा रहा, तो वहाँ हम संतरा लिख देंगे, तो यहाँ प्रमुख चीज यही है संतरा। लेकिन यहाँ है रोगी से संतरा क्या नहीं किया जा रहा है, संतरा के साथ रोगी क्या नहीं कर पा रहा है।
तो खाया नहीं जा रहा है। जब हम खाया नहीं जा रहा है बोलेंगे तो जोर पड़ेगा क्रिया पर कि रोगी से संतरा खाया नहीं जा रहा है, वो इसको खा नहीं पा रहा है, मतलब उसको खाने में दिक्कत है। संतरा में कोई खराबी नहीं है या कोई खूबी नहीं है, वह खा नहीं पा रहा है इसको या खाया नहीं जा रहा है उससे, तो इसलिए ये हो जाएगा भाववाच्य। पहले ये था कर्मवाच्य। अब इसको सिर्फ खाया पर जोर दे दिया तो ये हो गया भाववाच्य। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब जब ये शुरू किया है तो मैंने पहले तीन जो छोड़े थे उसको ही क्लियर करता हूं। दूसरा था आपको सूचना दी जाती है, आपको सूचना देता हूं, अभी जब हम इसको पढ़ते हैं तो आपको सूचना देता हूं, क्या देता हूं तो सूचना देता हूं, इस पर जोर पड़ रहा है। ठीक है कि आपको सूचना देता हूं, ठीक है, तो यहां जोर इस पर पड़ रहा है। अब इसको जब भाव वाच्य में बदलेंगे तो हम करेंगे आपको सूचना दी जाती है। तो इसमें यहां जोर पड़ गया, देना जो कि क्रिया है, आपको सूचना क्या की जाती है तो दी जाती है। आपको क्या देता हूं, सूचना देता हूं, तो यहां हमने उसका जो बल था जोर था वो इस पर दे दिया, तो ये हो गया भाव वाच्य। ठीक है, आपको सूचना दी जाती है। पहले इसमें कौन प्रमुख था, आपको सूचना देता हूं, तो ये कोई है जो दे रहा है सूचना, तो ये कर्तृवाच्य हो गया, कर्ता प्रमुख है उसमें कि आपको सूचना, या सूचना को भी हम कह सकते हैं सूचना प्रमुख अगर है तो आपको सूचना देता हूं। ठीक है, मतलब इसमें क्रिया को महत्व नहीं दिया गया उस वाक्य में, लेकिन हमने जब क्रिया को महत्व दिया तो क्या हो गया, भाववाच्य हो गया, आपको सूचना दी जाती है, क्या की जाती है तो दी जाती है। इसी तरह से एक और था बच्चा खूब रोया, बच्चा खूब रोया, अब यहां बात हो रही है कि बच्चा जो कि कर्ता है
ठीक है। बच्चा जो कि करता है वह क्या कर रहा है, तो खूब रोया, तो ये अभी कर्तरीवाच्य है। अब इसको अगर हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे के द्वारा या बच्चे से, खूब रोया गया, खूब रोया गया, बच्चे के द्वारा खूब रोया गया। अब जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो यहां बच्चे के द्वारा क्या किया गया इसकी बात हो रही है, यहां प्रमुख क्रिया हो गया, तो बच्चे के द्वारा खूब रोया गया, इस पर हम जोर दे रहे हैं कि बच्चा जो था वो खूब रोया, और तो वहां हो गया कि बच्चे ने क्या किया, प्रश्न ये बनता है। यहां बनता है कि बच्चे के द्वारा क्या किया गया, तो यहां प्रश्न में क्रिया उत्तर में आएगा कि खूब रोया गया, ठीक है। तो इसलिए यह हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, ये तीन मैंने पिछली बार छोड़ा था, वो आपको अभी मैंने स्पष्ट कर दिया। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा हम समझ गए। अकर्मक क्रिया पर बहुत जोर नहीं लगाना है दिमाग में, क्योंकि फिर आप उधर फंस जाएंगे। आपको कई बार लगेगा जैसे रोगी ने संतरा खाया, रोगी के द्वारा, रोगी से क्या था, रोगी से संतरा नहीं खाया जा रहा, तो रोगी से संतरा खाया नहीं जा रहा, तो इसमें तो अकर्मक क्रिया नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि क्रिया सकर्मक है, लेकिन चूंकि संतरा उसमें कर्म है, लेकिन बात वहाँ क्रिया की हो रही है, इसलिए ऐसी स्थिति में वो भाववाच्य बनेगा। ठीक है, अब इसमें वाच्य परिवर्तन है, इसका जो तरीका है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, तो पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए। ये ज़्यादा मुश्किल तरीका लग रहा है समझने के लिए। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ आदि यदि कोई विभक्ति लगी है तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा आदि जोड़िए, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मुश्किल तरीके से समझाया हुआ है, इसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे शिकारी शिकार करते हैं, शिकारी शिकार करते हैं, तो ये अभी कर्तृवाच्य है, इसमें एक कर्ता है जो शिकारी है और वो कुछ काम करता है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य सीधा। अब इसको जब बदलना है कर्मवाच्य में तो हम इसमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं, शिकारी के साथ के द्वारा लगा दिया हमने, ठीक है, यहाँ से ठीक नहीं लगेगा, इसलिए शिकारियों से शिकार किया जाता है ऐसा बोलना ठीक नहीं लगेगा, वहाँ पर वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए के द्वारा ही वहाँ उचित है। तो शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है, करते हैं को किया जाता है में बदल दिया, ठीक है। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया ठीक नहीं लगता है वाक्य विन्यास के हिसाब से, बोलने में बढ़िया नहीं लग रहा है, इसलिए वहाँ पर द्वारा ठीक लगेगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, चूँकि मुझसे पत्र लिखा गया में फिर होगा कि कलम से लिखा गया, तो आदमी से, जैसे आदमी को ऐसे उल्टा करके उसको घिस घिस के लिखा गया, इस तरह की फीलिंग आएगी, इसलिए वहाँ पर द्वारा ही ठीक है। क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, या मुंशी प्रेमचंद द्वारा के नहीं भी डालेंगे तो वो बात एक ही होगा, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है ये भी चलता है। यह कविता उसने लिखी, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई, अब यहाँ उस द्वारा लिखी गई ठीक नहीं लगेगा बोलने में, तो इसलिए उसके द्वारा।
भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। सुंदर ने मधुर गीत गाए, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। वह दिन में दूध पीता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा। अब इसी में अगर मान लीजिए इसी को भाववाची में बदलना होता तो इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, निषेधात्मक। जब ज़्यादातर भाववाची निषेधात्मक ही होते हैं तो पक्षियों द्वारा आकाश में नहीं उड़ा जाएगा अगर होता तो इसको हम लोग भाववाची कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्या नहीं किया जा रहा है पर जोर दिया जाएगा, और अभी आकाश में उड़ने की बात हो रही है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, बस इसमें वही के द्वारा और दिया को दिया गया कर दिया, वही सामान्य भूतकाल की जो बात है वही सब में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नानी कहानी सुनाएगी, नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। अब ये भूतकाल तो नहीं है, ये तो भविष्य काल है, तो काल में परिवर्तन उसी हिसाब से हो जाता है, जरूरी नहीं है कि भूतकाल ही रह जाए। लड़का पत्र लिखता है, लड़के के द्वारा पत्र लिखा जाता है, वर्तमान काल में भी होगा, ऐसा नहीं है कि भूतकाल में ही सबको बदलना है। अब फिर कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बदलने के लिए क्या करेंगे? कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाएं, जैसे कि कर्मवाच्य में लगाया। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के पुरुष का वही काल लगा दें, फिर वही बातें हैं। पढ़ेंगे से पढ़ा जाएगा, खेल रही से खेला जा रहा था, सोते हैं से सोया जाता है, मतलब क्रिया को मुख्य बना देना है, सीधा ऐसे समझिए तो ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे आप लोग। नियमों में ज़्यादा उलझने से कई बार दिक्कत आ जाती है। मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, एक ही बात है। हिरन से दौड़ा जाता है, रमेश से नहाया गया, उसमें कई वाक्य आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन नियमों के अनुसार उसको करना है तो करना है। मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। मैं अब नहीं चल पाता, तो ये यहाँ हो रहा है कि मैं अब नहीं चल पाता, अपने बारे में बात हो रही है, तो वो कर्तृवाच्य हो गया। और मुझसे अब चला नहीं जाता, तो मुझसे अब क्या नहीं किया जाता, तो वहाँ क्रिया को मुख्य बना दे, बाकी काम मैं कर लेता हूँ, चला नहीं जाता, इसकी बात हो रही, तो इसलिए वो भाववाच्य हो जाएगा। इसी तरह से हम इतने दुख नहीं सह सकते, हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते, इतने दुख नहीं सहे जाते, मतलब क्रिया को किसी तरह से प्रमुख बनाना है। नहीं सहे जाते, क्या नहीं होता, तो नहीं सह पाता मैं इतने दुख, मैं उठ नहीं सकता, मुझसे उठा नहीं जाता, हम नहीं हंस सकते, हमसे हंसा नहीं जाता, सौम्या से सुबह नहीं उठा जा सका, सास से लड़ा नहीं जा सका, हमसे इतनी दूर नहीं रहा जा सकता। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से भाववाच्य का होगा। अब भाववाच्य से अगर कर्तृवाच्य बनाना है तो इसको ठीक विपरीत कर देना है, के द्वारा या से को हटा देना है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया तो मैंने पत्र नहीं लिखा, ये आसान लगेगा आपको। मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, मीरा कल पत्र लिखेगी। इसी तरह से और भी है, इसमें कोई और है क्या? वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया, वेद व्यास ने महाभारत लिखा। बालकों द्वारा फुटबॉल खेली गई, फुटबॉल खेली। आज घूमने चला जाए, आज घूमने चलें। अब कर्तृवाची की पहचान इसमें दिया हुआ है कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है, ऐसे भी कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने ही है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है कर्मवाची में। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, उसके बाद जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है। भाववाची में भी से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है, क्रिया अकर्मक होती है। इसमें फिर अकर्मक पर बहुत जोर नहीं देना है, क्रिया सदा एक वचन पुलिंग में होती है,
उसमें हमेशा जाता है, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इस तरह की बातें होती है। ठीक है, तो भाववाच्य मेरे हिसाब से आपने स्पष्ट कर लिया होगा, प्रयोग स्थल इनका दिया हुआ है। कर्मवाच्य के प्रयोग अधिकार गर्व या दर्प जताने के लिए, अपराधी को पेश किया जाए, उसे मेरे सामने लाया जाए, इस तरह की बातें होती है, या कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या अज्ञात हो, धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, मतलब कौन बहा रहा है ये स्पष्ट नहीं है लेकिन बहाया जा रहा है, यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती, मतलब यहाँ वो कौन है असल में उसकी उसका कुछ पता नहीं है तो ऐसे बोलेंगे उसको, यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती, या तो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं उसका नाम, या फिर आपको पता नहीं है कि कौन है जिसकी बात नहीं सुनी जाती। पत्र भेज दिया गया है, ये आधिकारिक जो भाषा होती है उसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज होता है। कार्य कुशलता के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, ये कानून या कार्यालयों की भाषा है। फिर असमर्थता जताने के लिए, आज देर तक नहीं बैठा जा सकेगा, इस तरह से कर्मवाची के प्रयोग होते हैं। भाववाची का जो प्रयोग स्थल है वो है विवस्ता असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में भाववाची का प्रयोग होता है। यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मतलब किसी चीज़ के निषेध के रूप में जब हम बताना चाहते हैं किसी चीज़ को तब, या असमर्थता व्यक्त करते हैं, मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस तरह की बातें। फिर अनुमति या आज्ञा, अब थोड़ा आराम किया जाए, अब चला जाए, इस तरह की जब बातें होती है कि मतलब अब चल दिया जाए, तो वहाँ भी क्रिया प्रमुख है। इसके बाद प्रश्न अभ्यास है, जिस पर सब कुछ हमने किया ही था, जो बच गया था वो अभी मैंने कर दिया। ठीक, रोगी से संतरा नहीं खाया जा रहा, आपको सूचना देता हूँ, और बच्चा खूब रोया, यही तीन छोड़ा था मैंने जो कि कर दिया। पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों के द्वारा रात को सोया जाता है। तुम इतनी पहाड़ियाँ कैसे चढ़ पाओगे, तुमसे इतनी पहाड़ियाँ कैसे चढ़ी जाएंगी। मैं अब चल नहीं पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। पक्षी बाघ छोड़कर नहीं उड़े, पक्षियों से बाघ छोड़कर उड़ा नहीं गया, मतलब उसको पहले ले आने से थोड़ा और जोर पड़ता है, उसको उड़ा नहीं गया। उसी तरह से है, चिड़ियाँ उड़ाने पर भी नहीं उड़ी, उड़ाने पर भी चिड़ियाँ चिड़ियों से उड़ा नहीं गया, चिड़ियों से उड़ाने पर भी नहीं उड़ा गया, इस तरह से कर सकते हैं। मुझसे सोया नहीं जा सका, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, चिड़ियाँ से चहचहाया जाता है, चिड़ियों के द्वारा चहचहाया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं कुछ। पशु बोल नहीं सकते, वह उठ भी नहीं सकती, ये सब तो कर ही लेंगे आप लोग। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारा अभ्यास है, अगर कोई ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आए तो फिर आप बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो वाच्य में यही है, तो आज यहीं तक रहने देंगे, अगले दिन हम लोग फिर कुछ इसमें से करेंगे अभ्यास वगैरह का, या मैं कुछ आपके सामने समस्याएं रखूंगा, आप उसको ठीक करके बताइएगा, ऐसा कुछ करते हैं। फिलहाल एक बार हमने सबका पुनरावलोकन तो कर ही लिया है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।